क्या हम इससे पहले भी जन्म लेते हैं, जन्म ले चुके हैं? मुझे तो मालूम है कि, लेकिन लोगों को हाँ नहीं पता। लोग क्या समझते हैं कि यही हमारा आखिरी है, यहाँ पे जितनी चीजें भोगनी है भोग लो, जितना है, या अगर यहाँ की भाषा में, सांसारिक भाषा में बात करूं तो जितने मजे करने हैं कर लो, इसके बाद, इसके आगे कुछ भी नहीं है। सो प्लीज कुछ बताइए उनके। जी बिल्कुल। ये स्पेशली अगर हम देखें वेस्टर्न फिलोसफी की तरफ अगर हम जाएं तो वहां पे ये चीज जो है वो दे स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग कि देयर इज ओनली वन लाइफ। तो वेस्टर्न वेस्ट में आप देखेंगे लोगों को वो इसी चीज में बिलीव करते हैं। और भी काफी सारे धर्म हैं जो इस चीज में मानते हैं, इस चीज में उनका विश्वास है कि एक ही जिंदगी है। और पर बात अगर हिंदू धर्म की जाए तो हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में ये चीज जो है कि जो एक आत्मा है वो बार बार जन्म लेती है। और ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई बेबुनियाद या बेसलेस चीज कह रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस। इस चीज के, इस बात के काफी सारे जो है एविडेंस है, काफी सारे प्रूफ्स हैं कि जो एक आत्मा है वो बार बार जन्म लेती है। और इस ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, जो आपने जो पहले क्वेश्चन किया था कि जीवन का मकसद क्या है, राइट? उसी से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन कि क्या हम पहले भी जन्म ले चुके। तो हाँ बिल्कुल, जन्म बार बार लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारे जो कार्य है, जो हमारे कर्म अधूरे रह जाते हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें जो है बार बार आना पड़ता है, बार बार जो है फॉर्म लेना पड़ता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर बार ह्यूमन फॉर्म हो, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अनदर टॉपिक। पर बार बार जन्म लेना और अपनी अपने जो अधूरे इनकम्प्लीट वर्क है उनको पूरा करना, इसके लिए जो है बिल्कुल पहले भी। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे इस तरह की आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी कि जहाँ पे ऐसा हुआ है कि किसी को अपने पिछले लाइफ की सारी पिछले बर्थ की सारी चीजें याद आ गई। तो ऐसे बहुत से एविडेंस है जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ जन्म जो है पहले भी हुआ, ह्यूमन फॉर्म में हुआ एंड दोबारा हुआ। ठीक, इनफैक्ट एक तो काफी मजेदार केस था कि जहाँ पे एक किसी का मुझे नाम वगैरह और पूरा स्थान याद नहीं है और मैं मेंशन भी नहीं करना चाहूंगी। इट्स लाइक किसी को अपने प्रीवियस बर्थ का सब कुछ याद आ गया था एंड देन उसने यहाँ तक बताया था कि उसको किसी ने मारा था, कत्ल किया था, उसका मर्डर किया गया था। और उसने उस तरह के अब एविडेंसेस कलेक्ट किए कि पुलिस को भी इन द एंड जिसने प्रीवियस बर्थ में मर्डर किया था उसका, उनको अरेस्ट करना पड़ा। तो इस तरह के काफी केसेस और काफी एविडेंसेस मिलते हैं जिससे ये प्रूफ होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब फिजिकल बॉडी जब छोड़ती है छोड़ते हैं तो जो आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक बहुत ही गहरे स्वप्न में चले जाते हैं। जो भी जैसे जैसे किसी ने अपना शरीर छोड़ा, उसके शरीर छोड़ने के बाद एक गहरा स्वप्न चालू हो जाता है, एक बहुत ही जैसे डीप स्लीप में है और कुछ ड्रीम चल रहा है। और जब वापस उठते हैं, मतलब वापस उठना इन द सेंस कि जब दूसरे शरीर में आते हैं, तब तक वो जो स्वप्न है वो भूल जाते हैं। और मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो वो जो स्वप्न है उनको याद आ जाता है। मे बी वो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो उससे रिलेटेड या कुछ इस तरह का हो कि वो उनको वो जो है देन रिकॉल देयर प्रीवियस बर्थ। तो इस तरह के काफी एविडेंस है। और जैसा मैंने पहले कहा, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो है बार बार आना पड़ता है, या फिर कुछ इम्प्रेशन ऐसे होते हैं। देखिए संसार में हर तरह का जो है एक्सपीरियंस होता है लोगों को, अच्छा भी बुरा भी, हर तरह के बहुत एक्सपीरियंसेस, बहुत अनुभव होते हैं। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा पे एक मोहर लगा देते हैं, इस तरह का इम्प्रेशन दे देते हैं कि आपको उसके लिए उन इंप्रेशंस के साथ वापस आना पड़ता है, दूसरा जन्म लेना पड़ता है। मतलब इन द सेंस कि वो इतने स्ट्रांग इंप्रेशंस होते हैं कि आप उन्हें नहीं भुला सकते। वो कुछ भी हो सकते हैं, मे बी वो किसी के साथ आपका इतना स्ट्रांग कनेक्शन हो, उसका इंप्रेशन हो सोल पे, और वो सोल दोबारा जन्म ले और उसे याद हो, उस याद आ जाए, रिकॉल कर सके कि जो है मेरा कनेक्शन वो इनकम्प्लीट रह गया था और
और मुझे इस जीवन में वो जो है कंप्लीट करना है। तो इस तरह के जो है वो कनेक्शन होते हैं। और इन शॉर्ट ये भी हाँ बोल जी, सकते हैं कि हमें अपने जो कार्मिक अकाउंट हैं उनके लिए भी, उस साइकिल को पूरी करने के लिए भी हमें आना पड़ता है। जी बिल्कुल, उन साइकिल को पूरा करने के लिए बिल्कुल, जहां से यात्रा जो है जो बीच में स्टॉप आता है वहीं से यात्रा है कंटिन्यू होती है। देखिए, इसका सबसे बड़ा मैं आपको एक रिलेट करना चाहूंगी एक चीज जो है, जैसे जैसे आप सभी ने सुना होगा अबाउट PLR, जिसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो इस तरह के PLR केसेस जो है मैंने बहुत सारे हैंडल किए हैं, जहाँ पे जो है जो प्रेजेंट लाइफ का जो है पास्ट लाइफ के कर्म से का इतना स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस होता है कि इंसान बहुत सी चीजों को, बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करते हैं लोग। तो हम लोग PLR करते हैं, जिसमें जो है डीप कॉन्शियसनेस स्टेट में जाकर हम लोग वी ट्राई टू फाइंड आउट कि प्रीवियस लाइफ में आपके साथ कौन सी ऐसी घटना घटी थी, क्या हुआ था जो आपको इस लाइफ में ट्रबल दे रही है। तो वो जब रिकॉल करते हैं तो दैट इज अनदर एविडेंस कि हाँ, पहले भी जन्म हुआ था और अभी भी जो है दोबारा जन्म हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इस तरह के बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे उनको प्रीवियस लाइफ का याद आता है और जो जो चीजें ट्रबल कर रही होती है उन चीजों को फिर हम दूर करने के उपाय बताते हैं, तरीके बताते हैं।